आज मैं पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले का दौरा कर रहा हूँ। आज करते करते आज 20वां जिला है मेरा और हर जिले में जा रहा हूँ। 15 कल में आड़ावा बैठक ले रहा हूँ कि जितनी सरकार की जितनी स्कीम्स है वो लोगों तक जा रही कि नहीं जा रही है, सरकारी अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मंडे से लेकर फ्राइडे तक के हर जिले का दौरा करता हूँ। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मिलता हूँ, विनोद तावड़े जी को मिलता हूँ, उनको सब पूरी रिपोर्टिंग करता हूँ। राइट रिपोर्टिंग, अगर अच्छा काम कर रहा है अधिकारी तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर गलत काम कर रहा तो वो भी रिपोर्ट आयोग के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक समाज जितने भी, जिसमें मुस्लिम समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, पारसी समाज, ये सारे समाज को ये योजना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमारे अधिकारी उनके ऊपर सही तरीके से उनके पास वो योजना पहुंचा रहे या नहीं पहुंचा रहे, इसीलिए पूरे हर जिले का दौरा कर रहा हूँ। और जिले में जब जाता हूँ तो सुबह सभी समाज के लोगों से मिलता हूँ, पूरे जिले की मालूमात लेता हूँ, उनकी क्या बेसिक समस्या है, जो आयोग तुरंत उसके ऊपर क्या रास्ता निकाल सकता, क्या किस तरीके से हम उनके मदद कर सके, ये बिल्कुल आयोग के माध्यम से कर रहा हूँ। और जो सरकारी पॉलिसी के डिसीजन है बिल्कुल वहां जाने के बाद उस कंसर्न मंत्री को बुलाकर तुरंत उनसे बात करके उनको तुरंत किस तरीके से हम वो काम कर सके, उस जिले को किस तरीके से राहत दे सके। जैसे केंद्र सरकार की कई योजना है, राज्य सरकार की कई योजना है जो लोगों तक पहुंचती नहीं है। आज जैसे जिले के अंदर लोगों ने कहा कि मौलाना आजाद का जो व्यक्ति अधिकारी है वो यहाँ आता ही नहीं है, उनके ऑफिस किसको नहीं पता है। आज सरकार इतने सारी योजना चला रही है, योजना लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन अगर अधिकारी अगर काम नहीं करता लोग सरकार की तरफ ब्लेम करते हैं कि सरकार में इस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों को नहीं देखा जा रहा है, ये सारी चीजें होती। इसीलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात कर हमने पूरे महाराष्ट्र का 36 जिले घूम रहा हूँ, खुद जाके देख रहा हूँ कि जिले में क्या कर, जब तक कि मैं खुद जाऊँगा नहीं तब तक कि सब लोगों के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सारों के प्रश्न समझने के लिए ये हाजी अराफा शेख पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है। भंडारा में आप क्या देख रहे हो, कितने लोगों को मतलब उसका फैसिलिटीज मिल रही है जो अल्पसंख्यक लोगों को? बिल्कुल, आपको दो दिन के बाद सभी लोगों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज मैंने कलेक्टर साहब को जितने लोगों ने मुझे निवेदन दिया उन निवेदन को मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को उस पर जिस तरीके से लिखना है मैंने उनको आदेश किया है कि उनको कल सब बुला के उनकी समाधान कैसा होना चाहिए, उनको क्या क्या हम फैसिलिटीज दीजिए। उर्दू घर, उर्दू स्कूल के आज ऐसी हालत है कि कभी भी उसकी वॉल गिर सकती है, ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, बच्चे को तकलीफ हो सकती है। तुरंत मैंने कहा कि सबसे पहला अगर आपको कोई काम करना है तो उर्दू स्कूल को डिमोलिशन करके नए तरीके से स्कूल बना के देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो और कोई स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए पहले उनकी शिफ्टिंग कराइए, शिफ्टिंग कराने के बाद उसका डिमोलिशन काम करके उसके अंदर और आपको सरकारी कोई तकलीफ है तो बिल्कुल आयोग को आप कहिए, बिल्कुल आयोग उनके साथ रहेगा। तो मुझे सभी जिलों से इसका पत्र दिया गया है, जैसे उलमा काउंसिल के लोगों ने कहा, काफी मौलाना लोगों ने कहा, आयोग के माध्यम से मैंने सरकार तक उसका पत्र भेजा हूँ।